आपका नाम क्या है? अमित दत्ता। सौरभ दे। उम्र भर वाले भी भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के इस एपिसोड के अंदर हम कवर करने वाले हैं सात ऐसी सीरीज को जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 से ऊपर है। और दोस्तों, अभी तक हमने एक भी सीरीज को दो बार रिपीट नहीं किया है, तो ऐसी अच्छी अच्छी सीरीज ढूंढने में, उसको देखकर उसका रिव्यू करने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। तो दोस्तों, मेरी इस एफर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही आपसे एक विनती है। एक बहुत ही बड़े सर्जन एक रात अपने ही घर के अंदर लॉक्ड हो जाते हैं विद सम अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब उसको असली खेल के बारे में पता चलता है। थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई 2020 में आई हुई इस सीरीज का नाम है लॉक्ड, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2। इस सीरीज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई है कि इस सीरीज का हर दूसरा सीन आपके सांसें रोक देगा, और इस सीरीज का ट्विस्ट 100% आपकी सोच को चकनाचूर कर देगा। बस दिक्कत यही है कि स्टोरी का पेस फर्स्ट हाफ तक थोड़ा सा स्लो महसूस होता है, लेकिन जैसे ही स्टोरी सेकंड हाफ के अंदर घुसती है, भाई आतंक मचा देती है। तो सस्पेंस से भरपूर इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो आप, तो ये आपको आहा ओरिजिनल्स पर देखने को मिल जाएगी। इस वाली सीरीज का हर एक एपिसोड एक यूनिक क्राइम को एक्सप्लोर करता है। सीरीज के अंदर प्रेजेंट डे क्राइम्स को एक मॉडर्न ट्विस्ट एंड टर्न के साथ दिखाया गया है। बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ आई हुई 2023 की सीरीज क्राइम्स आजकल, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। हर एक एपिसोड के अंदर हमें नए टाइप्स के क्राइम देखने को मिलता है जो इस जमाने की रियलिटी को 100% मैच करता है। टेक्स सभी क्रिमिनल्स और उनके तरीके को काफी अच्छी तरीके से डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। स्टोरी लाइन्स कुछ जगह पर रिपीटेटिव फील होती है, आपको लगता है कि आप एक ही एपिसोड बार बार देख रहे हो, लेकिन अगर आपको आज के जमाने का डिजिटल क्राइम देखना पसंद है तो ये वाली सीरीज 100% आपके लिए है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको अमेजन मिनी टीवी पर देखने को मिल जाएगी। भाई, इसको बोलते हैं ट्रूली अंडररेटेड सीरीज। एक स्ट्रेंज हाउसिंग सोसाइटी में एक मर्डर हो जाता है, और मजे की बात यह है कि सारे के सारे सस्पेक्ट है, और फिर शुरू होता है असली खेल। 1001 में कोई रहने आया है। सुनील ग्रोवर की फाड़ू परफॉर्मेंस इस कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। 2021 में आई हुई सीरीज सनफ्लावर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4। सुनील ग्रोवर का कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट एंड ट्विस्ट आपको स्क्रीन से बातें रखेंगे, और ऊपर से इस सीरीज का हर एक करेक्टर आपको एंटरटेन करके जाएगा। तो अगर आपको भी क्राइम थ्रिलर के साथ साथ थोड़ी हल्की फुल्की कॉमेडी देखना पसंद है तो ये वाली सीरीज को आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको Zee5 पर देखने को मिल जाएगी। एक डायस्टोपियन फ्यूचर में एक मिलिट्री कैंप के अंदर एक सस्पेक्ट को इंटरोगेट किया जा रहा है। इस वाली सीरीज के अंदर आपको रियलिटी और सुपरनैचुरल एलिमेंट का ब्लेंड देखने को मिलने वाला है, जो इस सीरीज को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। 2019 में आई हुई सीरीज कॉल, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7। एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा क्रीपी, इतना ज्यादा भयानक है कि आपको लगता है कि लाइट ऑन करके देखना पड़ेगा। अगेन राधिका आप्टे की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच। सीरीज का बिल्डअप थोड़ा सा स्लो महसूस होता है, जिसके कारण उसकी लेंथ भी फील होती है, और इस सीरीज का एंड थोड़ा सा लूज, थोड़ा सा डल महसूस होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो, कुछ हटके देखना चाहते हो, तो आप इस वाली सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हो। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। एक यंग इंस्पेक्टर एक कॉम्प्लेक्स मर्डर केस को सोल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप से भी लड़ रहा होता है अपनी पास्ट मेमोरी के साथ। मिस्ट्री से भरपूर 2024 में आई हुई इस सीरीज का नाम है इंस्पेक्टर ऋषि, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4। माइंड गेम्स और मिस्ट्री इतनी ज्यादा शार्प है, इतनी ज्यादा डार्क है कि आपका दिमाग गिर जाएगा, और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एकदम सॉलिड किया गया है। फर्स्ट हाफ तक ये सीरीज पूरा टाइम लेती है स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन जैसे ये सीरीज बिल्डअप हो जाती है, ये सीरीज रुकने का नाम नहीं लेती है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको अमेजन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। रिनी बेचारों को मारते मारते इन दरिंदों ने 10.5 मिलियन रुपीस की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। नील क्या? सर, 1 करोड़। जंगल के अंदर इलीगल पोचिंग रेकर्ड चल रहा है। अब इसको बंद करने की जिम्मेदारी आ जाती है एक अंडरकवर ऑफिसर पर, जो इन सारा क्रिमिनल्स को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हुई इस सीरीज का नाम है पोंचर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.7। सिनेटिक ब्यूटी और जंगल्स का पोर्ट्रियल आपको एक अलग ही दुनिया के अंदर लेके जाएगा, और एक्शन सीक्वेंसेस और टेंशन को परफेक्टली बैलेंस किया गया है, जैसे एक थ्रिलर को होना चाहिए। ऊपर से ये वाली सीरीज बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, तो आप इस वाली सीरीज को डेफिनेटली एक ट्राई जरूर दे सकते हो। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको अमेजन प्राइम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। एक शादी के दौरान एक मर्डर हो जाता है जो सबके सामने होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। ये कहानी है उन लोगों के लिए जो सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं अपने कुछ फायदे के लिए। 2020 में आई हुई सीरीज अनदेखी, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8। सीरीज की स्टोरी लाइन दिमाग से ज्यादा दिल पर वार करती है, और वो भी घूम घूम के। ड्रामेटिक टेंशन थ्रू आउट द सीरीज अप जा रहा है, और ये वेब सीरीज आपको लास्ट मोमेंट तक पकड़ के रखती है। कहानी कुछ जगह पर स्लो, कुछ जगह पर फास्ट महसूस होती है, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सीरीज है देखने के लिए। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही मूवीज और सीरीज के लिस्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,